पे भगवान भोलेनाथ, यहाँ पे शिवलिंग के ऊपर यहाँ पे कलश तो पानी चढ़ाया जा रहा है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और गाइज, आज हूँ मैं यहाँ पे एक कापासीढ़ा में एक मंदिर है, यहाँ पे शनिदेव का मंदिर है, तो मैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो चलिए आपको भी अपने साथ साथ मैं यहाँ पे दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति और सभी कुछ है। ये सबसे पहले करते हैं शनिदेव के दर्शन। यहाँ पे चढ़ाया जाता है तेल और बाहर आते ही यहाँ पे है बजरंग बली। और ये मंदिर का एंट्रेंस है और यहाँ पे माँ भगवती की दर्शन। ये गाइज, मैं अब आपको करवाता हूँ नव दुर्गा के नौ रूपों के दर्शन। गाइज, जब तक आप दर्शन कर रहे हैं नौ रूपों के, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को शेयर करें। ये आप देख रहे हैं नव दुर्गा के नौ रूप। तो जो नव दुर्गा के नौ रूप हैं, जिनको हम प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थम कुष्मांडा, पंचमम स्कंदमाता, षष्ठमम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, अष्टमम महागौरी और नवमम सिद्धदात्री के नाम से जो नौ दुर्गा के हैं नौ रूप हैं जो आपने अभी अभी दर्शन किए। तो चलिए अब मैं आपको मंदिर के और साइड में दिखाता हूँ, उस साइड अलग अलग जो छोटे छोटे और मंदिर बना रखे हैं। जो नरसिंह अवतार थे उनकी मूर्ति है, माँ चंडिका की मूर्ति। देखिए गाइस, सभी देवी देवताओं के आपको दर्शन करा रहा हूं मैं। देखिए माँ चंडिका शेर में सवार। और अब यहाँ पे राधा कृष्ण की जो मूर्ति है, और यहाँ पे खाटू वाले बाबा है, चलिए अब मैं कराता हूँ आपको नंदी बैल के दर्शन। ये है नंदी महाराज और नंदी महाराज के सीधे सामने आप देख रहे होंगे वहाँ पे भगवान शिव का विवेक है, वहाँ पे प्रभु शिव महादेव। चलिए अब करते हैं शिव पार्वती के दर्शन। पंडित जी हैं, बाबा हैं, ये उनका निवास स्थान है। यहाँ पे जितने भी ऋषि मुनि हैं, देखिए बाबा जीवन भारती हैं, बाबा लक्कड़नाथ, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ, यहाँ पे शिवलिंग के ऊपर यहाँ पे कलश तो पानी चढ़ाया जा रहा है। तो चलिए गाइज, इस ब्लॉग में इतना ही। तो मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। जो भी नए साथी मेरे चैनल पे आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाइज, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।